हेलो हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल भाई सभी को। एक बार देखियो वॉइस वॉइस वीडियो वीडियो ठीक ठाक है कि करा शुरू फिर अपन अपना काम लेके पर भोगा नाम। जी जय माता दी, फरीदाबाद ते राम 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 भाई सारे ना। फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, करनाल, खंबाड़ा, पानीपत, यमुनानगर, सिरसा, जींद, पलवल, सारे ना राम राम भाई, सारे ना राम राम भाई। एक बार वॉइस वीडियो देखियो ठीक ठाक है, ठीक है ना वॉइस वीडियो। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग भाई बहादुरगढ़ भी। हाँ, बिल्कुल भाई, चलो आ जाओ। आज अपन एप्लीकेशंस और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशंस और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एप्लीकेशंस, कंप्यूटर की एप्लीकेशंस और फीचर्स भी आ गए इसके अंदर, कंप्यूटर के फीचर्स, फीचर्स भी डिस्कस करेंगे, यानी कि विशेषताएं भी डिस्कस करेंगे, और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के टाइप जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है ना, क्लियर है बात। जी, सभी को राम राम, नमस्ते, जय हिंद भाई। चलो करते हैं शुरू, आ जाओ। पहला क्वेश्चन अपने आप पढ़ पढ़ के आंसर करते रहो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कुछ स्टार्टिंग वाली जो अपनी क्लासें हैं वो ऐसी रहेंगी जिनमें मतलब बहुत ही आसान, इजी लेवल का मैं कहूँ तो इजी लेवल है बिल्कुल ही। जी गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। एक बार अपने आप पढ़ पढ़ के आंसर करें, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा तो मैं भी पढ़ूंगा और उसको, और मैं आंसर आपको बताऊंगा कि क्या आंसर रहेगा। तो एक बार इसको पढ़ो और आंसर करो। एक बार पूछा क्या है, अच्छे तरीके से पढ़ा करो, क्वेश्चन को दो बार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन इतने अच्छे तरीके से आप कर लो कि पेपर में कोई भी समस्या ना आए, पेपर में आपको देखते ही पता चल जाए कि हाँ ये वो क्वेश्चन है, ये वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ बेसिक से दो बार क्वेश्चन पढ़ लो, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। कोई सुपर कंप्यूटर कह रहा है, कोई हाइब्रिड कंप्यूटर कह रहा है, देख लेते हैं। विच आर यूज फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सच एज ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग। ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग, जो वेदर फोरकास्टिंग है वो कौन से कंप्यूटर करेंगे भाई? वेदर फोरकास्टिंग करने का काम कौन से वाले कंप्यूटर करेंगे? मौसम का पूर्वानुमान लगाना है तो वो कौन से कंप्यूटर करेंगे? वो करेंगे सुपर कंप्यूटर। वो कौन से कंप्यूटर करेंगे? सुपर कंप्यूटर करेंगे भाई। मौसम का अगर पूर्वानुमान लगाना है तो वो कौन से कंप्यूटर देखेंगे? सुपर कंप्यूटर ये चीज़ संभालेंगे, ठीक है ना। एक बार HSSC ने डायरेक्ट ये पूछा था, ग्लोबल ये वाला, ग्लोबल वाला जो है वेदर फोरकास्टिंग वाला ऑप्शन में नहीं दिया था, यानी कि क्वेश्चन में ये नहीं था, और डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन पूछ लिया था। क्या पूछ लिया था? कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन पूछ लिया था कि कौन सा कंप्यूटर हैंडल करता है। कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन पूछ लिया HSSC ने, ये 2021 में पूछ लिया था। तो 2021 में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया 2021 में, तो इसका आंसर जो माना था HSSC ने वो हाइब्रिड माना था, और आंसर बनता है हाइब्रिड। कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन को जो सॉल्व करता है वो कौन करता है? हाइब्रिड करता है भाई, ठीक है ना। सर बफरिंग हो रही है, आज भी बफरिंग हो रही है, व्हाट डज इट मीन? क्या बात होगी भाई, आज तो नहीं बफरिंग होनी चाहिए बिल्कुल भी। एक बार देख के चेक करके बताओगे क्या दिक्कत होगी भाई? ओके है सर, शायद ओके है, वीडियो अभी तो ओके है जी, बाकी चलो ओके रिपोर्ट है जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है भाई, फिलहाल ओके रिपोर्ट है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। जी, साउंड नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है साउंड नहीं है? साउंड तो है, बिल्कुल है साउंड, सब ओके है। हाँ बीच बीच में थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से हो सकता है क्लास रुक जाती हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है आपकी स्क्रीन पर। हाँ कई बार बीच बीच में हो जाता है, थोड़ी बहुत क्लास का मिसमैच हो जाता है कई बार। तो देखो एक बार अगला क्वेश्चन देखो, एवरीथिंग इज ओके। जी, कोशिश है कि ओके रहे भाई, कोशिश है कि ओके ही रहे।
चलो, और मैं कल इसका परमानेंट सॉल्यूशन करता हूँ कुछ ना कुछ, कल इसका परमानेंट सॉल्यूशन करता हूँ कुछ ना कुछ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कंप्यूटर सिस्टम की विशेषताएं पूछा है, कंप्यूटर सिस्टम के फीचर पूछा है, यानी कि विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है। क्या पूछा है? कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? स्पीड होती है, यूनिवर्सलिटी होती है, डिलीजेंस और प्रसिशंस होती है, या ऑल ऑफ द अबो होती है। बिल्कुल सही कहा किसी ने, सरकारी ऑप्शन, बिल्कुल ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबो होती है, ऑल ऑफ द अबो होती है। भाई देखो, कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो स्पीड भी होती है, और कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापा जाता है? MIPS में मापा जाता है। कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापा जाता है? MIPS में मापा जाता है। यूनिवर्सलिटी होती है, यानी कि इसको हम अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे बैंक में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसको ऑफिस में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसको रेलवे स्टेशन पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। यूनिवर्सलिटी है यानी कि सभी जगह काम आता है। डिलीजेंस है, मेहनती है, कर्मठ है, थकता नहीं है, 24x7 आवर वर्क कर सकता है, लगातार वर्क कर सकता है भाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब है सारी चीज़ें जो हैं इसकी डन है, सारी की सारी इसकी कंप्यूटर की क्या है? विशेषताएं हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन पढ़ो और अपने आप आंसर करो। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और अपने आप आंसर कीजिए भाई, क्या आंसर रहेगा? सॉरी, अंडरस्टैंडिंग, सभी का यही आंसर है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? इनपुट करता है, बिल्कुल करता है, प्रोसेसिंग करता है, बिल्कुल करता है, कंट्रोलिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझता नहीं है। क्या नहीं है? समझता नहीं है यार, ठीक है ना, समझता नहीं है यार, ठीक है। राम राम भाई, राम राम सभी ने। चलो सॉरी भाई, जी, स्वागत है, सभी का स्वागत है भाई। फीलिंग नहीं होती इसके अंदर, वैसे तो कह नहीं सकते कि फीलिंग होती है कि नहीं होती है, ठीक है ना। एक लेक्चरर ने कहा था, एक लेक्चरर ने बहुत अच्छे तरीके से कहा था, एक लड़के ने जवाब दिया कि सर कंप्यूटर में फीलिंग नहीं होती। कह रहा कि आपको कैसे पता कि फीलिंग नहीं होती? कह रहा सर बस वैसे पता कि फीलिंग नहीं होती, कह रहा प्रूव करो कि फीलिंग नहीं होती। तो लेक्चरर ने कहा कि जब आपका मॉनिटर नहीं चल रहा, या जब आपका कंप्यूटर जो है वो नहीं चल रहा, आपको क्या पता, हो सकता है वो आपसे नाराज हो इसलिए ना चल रहा हो, ठीक है ना। हो सकता है आपसे नाराज हो, अब आप उससे कम्युनिकेट तो कर नहीं सकते ना डायरेक्ट ऐसे, मतलब तो आपको कैसे पता कि वो आपसे नाराज है कि नहीं। हो सकता है आपसे नाराज हो, तो हो सकता है फीलिंग होती हो कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर की बौद्धिक क्षमता का शतर IQ 0 होता है। IQ कितना होता है कंप्यूटर का? 0 होता है भाई। IQ कितना होता है? 0 होता है भाई, ठीक है ना, IQ 0 होता है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। हाँ, इंसानों में फीलिंग नहीं होती, मशीनों में होती है। मशीनों में फीलिंग होती है, इंसानों में नहीं होती। अब ये अपना यूट्यूब अपने से बिल्कुल नाराज चल रहा है 2-4 दिन से, ठीक है ना, बीच बीच में दिक्कत पैदा कर रहा है, नाराज चल रहा है। इसको पार्टी दी काफी दिन हो गए, पार्टी देनी पड़ेगी इसको, फिर चलेगा ये, ठीक है। तो बताओ, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता? परिशुद्धता, बहुउपयोगिता, उच्च संग्रहण क्षमता और उपयुक्त सभी, कौन सी है भाई? सरकारी ऑप्शन, सरकारी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं सभी।
परिशुद्धता यानी कि प्रसिशन यानी कि एक्यूरेसी, मल्टीपल यूनिट सॉरी मल्टीपल यूटिलिटी और हाई स्टोरेज कैपेसिटी, ऑल ऑफ दीज सारे की सारी जो है इसकी विशेषताएं हैं। कंप्यूटर की विशेषताओं में लगभग सभी उपयुक्त सभी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर सिस्टम की गति मापी जाती है, किसमें मापी जाती है? RISC की फुल फॉर्म बताओ। सबसे पहला ऑप्शन जो है इसकी फुल फॉर्म बताओ भाई। प्रणाम भाई प्रणाम। सर साफ नहीं दिख रहा, साफ नहीं दिख रहा या आज क्या समस्या क्या आ रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं यहाँ तो साफ दिख रहा भाई, ओके चल रहा बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं है। आप रेजोल्यूशन बढ़ा लो, मोबाइल का रेजोल्यूशन बढ़ा लो। ठीक, RISC में क्या है? RISC में पूछा था मैंने भाई बग तो। RISC रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर भाई, ठीक है ना। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। ये क्या है? ये एक माइक्रोप्रोसेसर का टाइप है। ये क्या है? माइक्रोप्रोसेसर का टाइप है भाई, ठीक है ना, माइक्रोप्रोसेसर का टाइप है। MIPS नहीं है, MIPS है बिल्कुल, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड है भाई, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड जो है इसका रहेगा, ठीक है ना। और यही जो है कंप्यूटर सिस्टम की गति जो है इसी में मापी जाती है। बी इज राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन आ जाओ। देखो एक बार अगला क्वेश्चन, मैं साथ के साथ इशू चेक कर रहा हूँ, इशू को अगर कोई है ऐसा तो। चलो लाइक लुइक वाला मामला देख लेना भाई। कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है, कौन सी सीमा है कंप्यूटर सिस्टम की? बुद्धि का अभाव है, बुद्धि का क्या है? अभाव है। बुद्धि अभी तो पढ़ा था कि जीरो होती है, बुद्धि क्या होती है इसमें? जीरो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था इसलिए जल्दी निपटा दिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर करो, इस क्वेश्चन को पढ़ो आंसर करो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब तो ठीक है, अब तो ठीक है ना, वॉइस वीडियो अब तो ओके है ना। हाँ भाई बी कर रहे हैं, इसका आंसर बी कर रहे हैं, सभी का बी है, कोई सी करा कोई बी करा, कोई बी करा कोई सी करा। लचीले व्यवहार को दर्शाता है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े जबरदस्त तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। सर दिल्ली पुलिस के लिए MS वर्ड MS एक्सेल के लिए कुछ बता दो। मैंने आपको पहले बताया है दिल्ली पुलिस के लिए, जो दिल्ली पुलिस है दिल्ली पुलिस के लिए DP के लिए आपकी मैराथन क्लास आ रही है फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे फ्राइडे और सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे। पहले ये सैटरडे संडे था, फ्राइडे सैटरडे कर दिया है। फ्राइडे सैटरडे को दिल्ली पुलिस के लिए मैराथन क्लास आ रही है विद एक्सप्लेनेशन, कम से कम 2 घंटे की होगी, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होगी, देखना ना भूलें, ठीक है ना, इसी चैनल पर। ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टाइमिंग जो है कल डाल देते हैं, ठीक है ना, टाइमिंग कल डाल देते हैं। लचीला व्यवहार क्या होता है, यानी कि इस चीज़ में भी काम आ जाए, अभी आप अपने आप समझ जाना। लचीला व्यवहार क्या होता है, यानी कि ऑफिस में भी काम आ जाए और यूट्यूब पे क्लास भी चला दे, वो लचीला व्यवहार है लैपटॉप का। लैपटॉप का लचीला व्यवहार क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपका ऑफिस में भी काम आ जाएगा और यूट्यूब पे क्लास भी चला देगा, आपने कोई एंट्री करनी है वो भी कर देगा और रेलवे रिजर्वेशन करनी है तो वो भी कर देगा,
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये कौन सी विशेषता है? एक्यूरेसी, वर्सटैलिटी, रिलायबिलिटी या डिलीजेंस, कौन सी विशेषता है? अरे एक्यूरेसी तो होता है करेक्ट रिजल्ट, GIGO, गीगो होता है एक्यूरेसी, करेक्ट रिजल्ट होता है वो। तो बताओ कौन सा होगा इसके इसमें। रिलायबिलिटी क्या होगा? रिलायबिलिटी होता है रिलायबल है, यानी कि पता है कि हाँ भाई गलत रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है ना, रिलायबल है, सही बताएगा। और डिलीजेंस होता है मेहनती, यानी कि परिश्रम करेगा, यानी कि बी सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। वर्सटैलिटी, विभिन्नता, बहु कौशल, भाई बहुत सारे कामों में जो है कौशल है, यानी कि अपनी जो बहू है ये पूरी कौशल है, यानी ठीक है ना, अपनी जो बहू आई है ये पूरी कौशल है सभी कामों में, रसोई का काम भी कर सकती है और इंस्टाग्राम पे डांस वगैरह करके और पैसे भी कमा सकती है, ठीक है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के खालिस्तान गुण को दर्शाती है। चलो पढ़ो और आंसर करो। कहाँ है वो? सीटी क्लियर कर लो बला, बहू का नाम लेंदे कार्ड के सुपने आने लग गए, जिन्होंने कार्ड छपन लग रहा है, एक साइड में तेरा नाम लिख रखा है, नीचे तेरा बब्बू का नाम लिख रखा है, ना ऊपर तेरा बब्बू का नाम लिख रखा है, नीचे बड़कों के नाम लिख रखे हैं, सुपने आने लग गए था मैंने इतनी देर में। त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के खालिस्तान को दर्शाती है, एक्यूरेसी को, सटीकता को, किस चीज को दर्शाती है? सटीकता को दर्शाती है, यानी कि एक्यूरेट रिजल्ट, यानी कि क्या चीज, एक्यूरेट रिजल्ट को दर्शाती है, ठीक है ना, क्लियर होगी बात। चलिए, कंप्यूटर का प्रयोग कौन से क्षेत्र में होता है? कंप्यूटर का जो प्रयोग होता है कौन से क्षेत्र में होता है? चलो 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 चलो, पढ़ो 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 पढ़ो। सर जी मेरी शादी में आ जाना। हाँ आना पड़ेगा, था रहता जवाब। बिरयानी बुलाओगे कि नहीं? कम वक्त नौकरी लगे बच्चे तो भूल जाए कौन लाभ सिंह ने, मुड़ कर देखे कौन लाभ सिंह, अच्छा वो भी था। देखो कंप्यूटर का प्रयोग कौन से क्षेत्र में होता है? अंतरिक्ष में होता है, बैंकिंग में होता है, ई गवर्नमेंस में होता है, उपयुक्त सभी सरकारी ऑप्शन, बिल्कुल सारे में, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन आ जाओ। बैंकिंग सिस्टम में कंप्यूटर किस में प्रयुक्त होता है? अगला क्वेश्चन, बैंकिंग सिस्टम में कंप्यूटर किस में प्रयोग होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल ऑफ दिस, सारे के सारे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो भाई। डीपी के लिए क्रोज या एमएस ऑफिस? भाई पता तो दिया, डीपी के लिए सुरेश जांगड़ा, डीपी के लिए सैटरडे और संडे, सॉरी फ्राइडे और सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन मैराथन क्लास रहेगी दिल्ली पुलिस के लिए, उसमें एमएस ऑफिस अच्छे लेवल का, बढ़िया लेवल का, सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। भाई बता दिया करो, आप भी कमेंट बॉक्स वालों, आप भी बता दिया करो इन चीज़ों को, बता दिया करो, एक दूसरे के साथ जानकारी शेयर किया करो, आप जानकारी शेयर करते नहीं, पता नहीं क्या दिक्कत है, आप जानकारी शेयर किया करो, एक दूसरे को बताया करो ऐसी चीज़ें, ताकि मेरी भी हेल्प हो जाए, मैं बीच बीच में ऐसी चीज़ें बार बार ना बोलूं, आप भी इरिटेट होते हैं उस चीज़ से। सामान्य जीवन में कंप्यूटर के प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष, तीव्र गति के परिणाम, पेपरलेस वर्क, गुणवत्ता परिणाम, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। पेपरलेस हो गया काम, गुणवत्तापूर्ण हो गया, तीव्र गति से परिणाम हो गया, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस, यानी कि सरकारी ऑप्शन, ठीक है ना।
मैराथन क्या होता है जी? मैराथन होता है लंबी चीज़, यानी कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, ड्यूरेशन जो है वो लंबा रहेगा, क्लास का ड्यूरेशन जो है बहुत लंबा रहेगा, ठीक है ना? सर जी, मम्मी पापा के नेम के साथ गुरु का नेम में लाभ सिंह नैन लिखवा दूंगा। अच्छा, हाँ मेरा करवा दे तो काम। हाँ दिल्ली पुलिस क्लियर करना, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो ले आंदी किस्म के में शो ऊपर ढकना है। नेहा जी, नेहा जी उसमें थ्योरी यानी कि जब सीईटी के लिए ये चीजें डिस्कस कर रहे तो ये ऑलमोस्ट मतलब थ्योरी ही है, कोई बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है टिक हो गया तो बात अलग है, अदरवाइज मैं डिटेल में बता रहा हूँ तो ये थ्योरी ही लगा लो सारी चीजें, ठीक है ना? हाँ जी क्लियर बात। तो कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती वो कौन सा है? एनालॉग है। एनालॉग में भंडारण की आवश्यकता नहीं होती भाई, ठीक है ना? वोल्टेज जब आपका वो दिखाता है, क्या बोलते हैं उसको, वोल्टेज दिखाता है, वोल्टेज जब आपका वोल्टेज दिखाता है कि 220 वाट है या 300 वाट है, 400 वाट है, कितने वोट बिजली जो घर पे आए हुए हैं उसको स्टोर थोड़े ना करते हैं कि बता मेरे को पहले कितने आई थी, ऐसा कहते हो? बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। फ्रिज भी रखी हुई जो वोल्टेज है, आप उससे पूछते हो कभी सुबह बताना कितनी वोल्टेज थी? वो सुबह चेक की तो सुबह ही पता चलेगा, शाम को चेक की तो शाम को ही पता चलेगा, ऐसा नहीं कि शाम को जाकर के सुबह वाली पूछोगे उससे बताओ सुबह कितनी आई थी, नहीं उठा के बाहर फेंकूँ तेरे को, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना? तो इसीलिए इसीलिए एनालॉग होता है। क्या होता है? एनालॉग होता है, ठीक है ना? हाँ जी, दिल्ली पुलिस के लिए भी उपयोगी है, बिल्कुल उपयोगी है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ले लो, पढ़ो और आंसर करो। अगला क्वेश्चन लो, पढ़ो और आंसर करो, क्योंकि दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर फंडामेंटल लिखा हुआ भाई, कंप्यूटर फंडामेंटल की सारी चीजें शामिल हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल में सभी चीजें शामिल होती हैं, ठीक है ना? आपकी कार के स्पीडोमीटर में प्रयुक्त कंप्यूटर का प्रकार कौन सा है? देखो फिर यहां मार खा जाओगे आप, गलत बता रहे हो। अभी ठीक आ रहा है, कुछ का आंसर अभी ठीक आ रहा है। अरे नहीं, क्या हो गया तेरे को, गलत आंसर कर रहा है। कार का जो स्पीडोमीटर है वो स्पीडोमीटर वाले सारे के सारे क्या है आपके? एनालॉग है। सारे के सारे क्या है? स्पीडोमीटर वाले एनालॉग कहेंगे उनके, हालांकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में डिजिटल हो सकता है कहीं ना कहीं वर्क करता हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है तो आप उसको एनालॉग ट्रीट करना, ठीक है ना? क्योंकि ये जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे एनालॉग को कंसीडर करके आएंगे, ऐसा नहीं कि आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से आएंगे, तो एनालॉग के हिसाब से ही आएंगे, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन आ जाओ। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? इनमें से कौन सा फॉल्स है? असत्य कथन कौन सा है? असत्य यानी कि गलत कथन कौन सा है? पढ़ो, अपने आप पढ़ो और आंसर करो। मैं साइड हो गया, अपने आप पढ़ के आंसर करो, कैपेबल हो जाओ अपने आप पढ़ के आंसर करने के, अपने आप पढ़ने के और आंसर करने के कैपेबल हो जाओ। एनालॉग कंप्यूटर भौतिक राशियों के मापन हेतु प्रयुक्त होता है, कंप्यूटर पर कार्य करने वाले प्रयोक्ता यानी कि यूजर कहते हैं, कंप्यूटर में अंडरस्टैंडिंग होती है, कंप्यूटर डिजिटल पर डेटा पर कार्य करता है। सी इज द राइट आंसर, कंप्यूटर में अंडरस्टैंडिंग होती है। ये तो बिल्कुल बात गलत है, कंप्यूटर तो हमारी बात समझता ही नहीं, कंप्यूटर तो है कि समझता ही नहीं, ठीक है ना? कंप्यूटर समझता नहीं है कुछ भी, उसको अरे पता बेचारा कुछ भी पता है, पता नहीं कुछ भी, नॉलेज नहीं होती उसको, ठीक है ना? कोई नॉलेज नहीं होती। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ के बताओ एक बार, पढ़ के बताओ एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। होगी वो वीडियो मैथ वाली, मैथ क्यों? नो नो टुडे, नो टुडे,
देखो भाई, पढ़ो इस क्वेश्चन का आंसर करो। कहाँ गए सभी? हेलो, आर यू देयर? इन्वेंशन ऑफ गिव बर्थ टू द मच डीप चीपर माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जब सबसे सस्ते आए थे माइक्रो कंप्यूटर, तो उसका आविष्कार कौन से में हुआ था, मतलब कौन सी चिप से हुआ था, या क्या कहते थे उसको? तो माइक्रो प्रोसेसर से हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर से। माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर से बने थे, ठीक है ना? माइक्रो प्रोसेसर से माइक्रो कंप्यूटर बने। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ले लो, आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप अपने आप आंसर कर सकते हो। बताओ। अरे ये तो आसान क्वेश्चन है। तो चलो इसका आंसर बता ही सकते हो आप। ये बताइए कि एनालॉग कंप्यूटर की कौन सी विशेषता ली गई थी और डिजिटल कंप्यूटर की कौन सी विशेषता ली गई थी, तब जाके हाइब्रिड बना। एनालॉग कंप्यूटर की कौन सी विशेषता ली गई थी, डिजिटल कंप्यूटर की कौन सी विशेषता ली गई, तब दोनों को जोड़ा गया, तब जाके हाइब्रिड बना। कमेंट करके बताओ। मिक्सचर ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर इज हाइब्रिड भाई, ठीक है ना? अब देखो थ्योरी वाला मामला देखो। एनालॉग और डिजिटल, डिजिटल कंप्यूटर की तो एक्यूरेसी ली गई, ठीक है ना? डिजिटल कंप्यूटर से एक्यूरेसी, डिजिटल कंप्यूटर की क्या ली गई? एक्यूरेसी। डिजिटल कंप्यूटर से एक्यूरेसी ली गई, डिजिटल कंप्यूटर से एक्यूरेसी, और एनालॉग कंप्यूटर से क्या लिया गया? एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड ली गई, एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड। दोनों को प्लस करके क्या बना? इज इक्वल टू हाइब्रिड, इज इक्वल टू क्या बना? हाइब्रिड। इन दोनों को प्लस करने पर कौन सा कंप्यूटर बना? हाइब्रिड कंप्यूटर बन गया, ठीक है? क्लियर है बात सभी को? ओके है, और हाइब्रिड बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। सर पीडीए भी बता दो। पीडीए, पीडीए बताया नहीं क्या? पीडीए भी माइक्रो कंप्यूटर होता है। पीडीए जो होता है, पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। क्या होता है ये? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट माइक्रो कंप्यूटर का ही टाइप है ये। क्या है ये? माइक्रो कंप्यूटर का टाइप है ये, पर्सनल असिस्टेंट आपका, ये है आपका पीए। क्या है ये? आपका पीए है, बस ये डिजिटल है, बस ये क्या है? डिजिटल है, आपका पीए है ये, लेकिन ये थोड़ा क्या है? डिजिटल है, ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? कौन सा बताया आप लोगों ने? क्या बताया? बी। बिल्कुल राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर। डिजिटल कंप्यूटर सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है, जिसमें लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर है, पीसी वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा सारे कुछ, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो एक बार, इस क्वेश्चन का आंसर करो, और आंसर आना चाहिए सभी का, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना ज्यादा हार्ड लेवल के हैं, और ना ही ज्यादा बिल्कुल ये कह सकते कि बिल्कुल ही लो लेवल के हैं, ठीक ठीक सा लेवल है, क्योंकि ये चीजें आपने बहुत बार पढ़ी होती हैं। जो जनरेशन है, जो हिस्ट्री है, जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, ये आपने बहुत बार पढ़े होते हैं, तो आपको लगता है कि ये चीजें देखने में आसान है, तो इसलिए इनके आंसर फटाफट किया करें, सभी आंसर किया करें, ठीक है ना? ताकि जल्दी जल्दी हम इन चीजों को कवर कर जाएं, ठीक है? देखो क्या होगा? द्विआधारी अंक पद्धति, द्विआधारी अंक पद्धति इसका राइट आंसर होगा। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पर वर्क करता है। किस चीज पर वर्क करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम पर वर्क करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम पर वर्क करता है, ठीक है? 0 1, बाइनरी, बाइनरी में क्या चीज आ गई? 0 और 1। बाइनरी को कंप्यूटर में स्टोर करने का श्रेय किसको जाता है? बता दो कमेंट करके।
बाइनरी को बाइनरी फॉर्मेट में कंप्यूटर के डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में कंप्यूटर में सेव करने का श्रेय किसको जाता है? कमेंट करके बताओ, एक बार बताइए। कंप्यूटर के डेटा को बाइनरी के फॉर्मेट में सेव करने का श्रेय किसको जाता है? अरे किसको जाता है बता दो, कोई भी नहीं है क्या? हेलो हेलो, कहाँ चले गए? जॉन वॉन न्यूमन। कौन है भाई? जॉन वॉन न्यूमन, ठीक है ना? जॉन वॉन न्यूमन को इसका श्रेय जाता है। बिल्कुल सही, ठीक है ना? क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन अपने आप पढ़ो, आंसर करो, अपने आप पढ़ो और आंसर करो। ए कह रहा है कोई, बी कह रहा है कोई, ए कह रहा है सैम, मुनेश, सुधीर, अन्नी, गुरविंदर, मिशु, अमन, रोयल, मोहित, अनुष्का, मोहित, इंडिया रिपोर्टिंग, जगवीर, भुवनेश, गुरविंदर, विकास, मोहित, रोनी, सी, सुशीला। ठीक, सी इज द राइट आंसर। गणना एवं तर्क के आधार पर, गणना मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है ना? ए एल यू, इसको कह लो ए एल यू, ठीक है ना? क्या कह लेंगे इसको? ए एल यू, ठीक है? क्लियर है बात? सी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पर नहीं, गणना व तर्क के आधार पर काम करता है। गणना के आधार पर वह, तर्क के आधार पर क्या करता है? वर्क करता है। टेक्नोलॉजी नहीं पूछी है। डिजिटल कंप्यूटर के वर्गीकृत भाग निम्नांकित हैं। निम्नांकित, व्हाट डज इट मीन? देखो, हाँ जी, सी, वो टेक्नोलॉजी नहीं पूछ रहा, टेक्नोलॉजी नहीं पूछ रहा, वो आपका काम क्या करता है इट इस हिसाब से पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन देखो, एक बार पढ़ो इसको, सोचो और बताओ इसका आंसर। हाँ भाई हाँ, इसका आंसर कोई बी करा, कोई सी करा, कोई डी करा, ऐसे कैसे इतने इतने आंसर हो गए इसके? वर्गीकृत भाग यानी कि क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है कंप्यूटर को। कौन सा? ऑन द बेस ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन, ऑन द बेस ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन, एक तो डेटा रिप्रेजेंटेशन, कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना? और एक है ऑन द बेस ऑफ स्पीड एंड साइज, ऑन द बेस ऑफ स्पीड एंड साइज, ऑन द बेस ऑफ स्पीड एंड साइज, ठीक है ना? ऑन द बेस ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन और ऑन द बेस ऑफ स्पीड एंड साइज। ऑन द बेस ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन तीन प्रकार का है, कौन सा है अपना? एनालॉग, दूसरा है डिजिटल, दूसरा क्या है आपका? डिजिटल। और तीसरा है आपका हाइब्रिड। क्या है तीसरा आपका? हाइब्रिड है। और ऑन द बेस ऑफ स्पीड एंड साइज क्या क्या है आपका? माइक्रो है, फिर कौन सा अपना? मिनी है, फिर कौन सा अपना? मेन फ्रेम है, और फिर कौन सा अपना सबसे ऊपर जो है? सुपर, ठीक है ना? सुपर सबसे ऊपर, ऐसे है इनकी कैटेगरी, ठीक है ना? क्लियर होगी बात? हाँ जी बिल्कुल। ये क्वेश्चन स्पीड और साइज वाला है,
तो स्पीड और साइज वाले माइक्रो मिनी मेन फ्रेम और सुपर, ये कैटेगरी रहेगी, माइक्रो मिनी मेन फ्रेम और सुपर वाली कैटेगरी रहेगी। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करो भाई, फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। जिसने लाइक लुइक नहीं किया, लाइक लुइक वाला मामला संभाल लेना, आज लाइक लुइक कहने वाले कहीं गायब ही हो गए, जो बीच बीच में बोल दिया करते एक दो बार लाइक लुइक वाला मामला, वो गायब ही हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। इसका आंसर डी, सरकारी ऑप्शन दे रहे हो, सरकारी ऑप्शन दे रहे हो इसका आंसर। डी 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 डी, माइक्रो कंप्यूटर के जो एग्जाम्पल हैं, माइक्रो कंप्यूटर के जो उदाहरण हैं, माइक्रो कंप्यूटर के जो प्रकार हैं, वो डेस्कटॉप भी है, वो लैपटॉप भी है, वो स्मार्टफोन भी है, वो पीडीए भी है, पीडीए, ठीक है ना, और वो नोटपैड भी है, क्या है, नोटपैड भी है, वो स्मार्टफोन भी है, स्मार्टफोन तो इसके अंदर शामिल है, लैपटॉप भी है वो भी शामिल है, डेस्कटॉप भी है वो भी शामिल है, और वर्क स्टेशन भी इसका एग्जाम्पल है, क्या चीज़, वर्क स्टेशन भी इसका एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण है। वर्क स्टेशन क्या होता है, वर्क स्टेशन होता है आपका पावरफुल कंप्यूटर, क्या होता है वर्क स्टेशन, आपका पावरफुल पर्सनल कंप्यूटर होता है वर्क स्टेशन, पावरफुल पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, वर्क स्टेशन होता है पावरफुल पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये सारे के सारे क्या है आपके माइक्रो कंप्यूटर के, यानी कि कंप्यूटर के उदाहरण है, ठीक है ना, माइक्रो कंप्यूटर के यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के उदाहरण है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, किस कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप कहा जाता है, किस कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप, कंप्यूटर ऑन अ चिप कहा जाता है, बताइए भाई। अगला क्वेश्चन पढ़ें और आंसर करें। टॉप म्यूजिक इंडस्ट्री आ गई भाई, अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल माइक्रो कंप्यूटर बी आंसर दे रहे हैं इसका सभी, बी कंप्यूटर ऑन ए चिप, बिल्कुल सही कहा। ऑन ए चिप का मतलब ऑन एक छोटी सी चिप, छोटी चिप का मतलब माइक्रो होता है, छोटी चिप का मतलब क्या होता है यहाँ पर माइक्रो होता है, और माइक्रो होता है तो माइक्रो कंप्यूटर होता है, माइक्रो होता है तो क्या होता है माइक्रो कंप्यूटर होता है, छोटी चिप का मतलब माइक्रो होता है और माइक्रो का मतलब माइक्रो कंप्यूटर होता है, ठीक, क्लियर है बात भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन पढ़ो, आंसर करो। जय हो गुरुदेव, जय हो भाई टॉप म्यूजिक इंडस्ट्री, जय हो। मिनी, मध्यम वर्ग की कंपनियों और उत्पादन सदनों में प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर कौन से हैं, तो मिनी कंप्यूटर है भाई, कौन से कंप्यूटर हैं, मिनी कंप्यूटर। ये क्वेश्चन 2021 HSSC 2021 का क्वेश्चन है, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है ना, पॉइंट नोट कर लेना, HSSC 2021 का क्वेश्चन है यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लो, ले भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर करेगा मैं उसको दो स्टार देने वाला हूँ, डबल स्टार देने वाला हूँ, इस क्वेश्चन का जो आंसर करेगा, जो ये क्वेश्चन मेरे पीछे दिखाई दे रहा है आपको। जी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग,
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखो कौन करता है, देखो कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जी माही मलिक जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, ठीक है। सॉरी, मिड रेंज कंप्यूटर क्या पूछा है? मिड रेंज कंप्यूटर पूछा है कौन सा होता है? मिनी कंप्यूटर मिड रेंज कंप्यूटर होता है। मिनी कंप्यूटर जो होता है क्या होता है? मिड रेंज कंप्यूटर होता है। बी इज राइट आंसर। अब बताओ किस किस का सही था, कमेंट करके बताओ एक बार किस किस का सही था। ये जिस चीज का सही था एक बार कमेंट करके बताना, किन किन का सही है एक बार बताओ महोदय जी। अच्छा माई रॉन्ग, मेरा सही, माई रॉन्ग, मैं सभी का गलत है। अच्छा हाँ दोगे भाई, चलो जिस जिसका सही था उनको डबल स्टार दिए जाते हैं, ठीक है ना, और आपकी तरफ हो गई पार्टी, ठीक है ना, डबल स्टार आपको मिल गए हैं और आपने पार्टी देनी है। जल्दी से पिज़्ज़ा ऑर्डर करके मेरे एड्रेस पे भिजवा दो, ठीक है, मैं खा लेता हूँ। ठीक चलिए, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर के एक्सेस के लिए यूजर अक्सर डैश का प्रयोग करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है। गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। फोन पे कर दियो जी। अच्छा एड्रेस बता दे जी। चलो चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। आई एम जॉकिंग, इस क्वेश्चन का आंसर करो। कह रहा है कि मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर खालिस्तान का प्रयोग करते हैं। ये तीनों में होता है, तीनों में, मतलब इसने तो दो लिखे हैं, मैं कह रहा हूँ तीनों में होता है। ये किस किस में होता है? ये मिनी में भी होता है, ये मेन फ्रेम में भी होता है, मेन फ्रेम में, और ये आपका सुपर में भी होता है। किस में होता है? सुपर में भी होता है। ये तीनों जो कंप्यूटर होते हैं जिनको मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, तीनों को मैं कहता हूँ कि ये जो तीनों होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल कंप्यूटर होते हैं। कैसे होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल कंप्यूटर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कंप्यूटर होते हैं ये, ठीक है ना। ये तीनों जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कंप्यूटर होते हैं, या ये कह लीजिए जो तीनों होते हैं ये मल्टी यूज़र कंप्यूटर होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी यूज़र कंप्यूटर होते हैं, ठीक है ना, मल्टी यूज़र होते हैं। और जो मल्टी यूज़र बैठते हैं यानी कि एक कंप्यूटर पर कई यूज़र बैठेंगे, इट मीन्स ये है कि कंप्यूटर, एक कंप्यूटर पर कई यूज़र बैठेंगे तो टर्मिनल का इस्तेमाल करेंगे। किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? टर्मिनल का इस्तेमाल करेंगे भाई। किस चीज़ का? टर्मिनल का इस्तेमाल करेंगे भाई, ठीक है ना। तो टर्मिनल अपने कितने प्रकार के होते हैं? टर्मिनल अपने दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डम टर्मिनल। कौन सा होता है? एक तो होता है अपना डम, ठीक है ना, डम होता है, गूंगा बहरा टर्मिनल होता है बेचारा, डिस्प्ले डिवाइस होती है और कुछ भी नहीं होता। और एक होता है अपना इंटेलिजेंट टर्मिनल। कौन सा होता है? इंटेलिजेंट होता है, एक होता है इंटेलिजेंट, एक होता है डम। ये तो स्मार्ट होता है, इंटेलिजेंट यानी कि इसमें तो क्या होता है, इसमें होती है प्रोसेसिंग पावर। क्या होती है इसके अंदर? इसके अंदर तो प्रोसेसिंग पावर होती है, प्रोसेसिंग पावर होती है, और इससे पहले वाले के अंदर प्रोसेसिंग पावर नहीं होती। इसमें क्या होता है? प्रोसेसिंग पावर नहीं होती भाई, ठीक है ना, प्रोसेसिंग पावर नहीं होती, प्रोसेसिंग नहीं होती, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले डिवाइस होता है ये, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? डिस्प्ले डिवाइस होता है, जैसे कि मॉनिटर। इंटेलिजेंट होता है जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर। इंटेलिजेंट कौन सा वाला होता है? जैसे कि आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है, ठीक है, क्लियर है बात। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन ले लो, अगला क्वेश्चन ले लो भाई।
ले भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखियो एक बार, दम का एग्जाम्पल मॉनिटर है, एटीएम तो हो सकता है, एटीएम में कुछ प्रोसेसिंग होती है, मेमोरी पावर नहीं होती, ठीक है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है और इसे अच्छे तरीके से नोट भी कर लेना भाई, जो पहले से नोट करते आ रहे हैं अच्छे तरीके से नोट कर लेना। हाँ जी, लाइक लुक वाला मामला देख लियो, टॉप म्यूजिक इंडस्ट्री की भी सुन लियो, ठीक है ना। चलो संभालो इसको, संभालो इसको। मेमोरी का आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के नाम से जाना जाता है? तो बिग आयरन के नाम से मेन फ्रेम को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर को जाना जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर को। दिख नहीं रहा, दिख क्यों दिख नहीं रहा, कर हद होगी यार, सारा जोर ला दिया, इतनी लाइट ला रखी है, एड्डा बड़ा बोर्ड ला रखा है, इतना रेजोल्यूशन बढ़ा रखा है, इंटरनेट बढ़िया वाला ला रखा है, अपने को दिख नहीं रहा यार, क्यों माटी कुटो है? ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन के नाम से भी जाना जाता है, बिग आयरन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्कटॉप कंप्यूटर को खास क्या कहते हैं? ये कभी नहीं सुना सर। हाँ कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं जो बहुत कम सुनी होती हैं। जूम कर लिया करो जी, क्वेश्चन को जूम कर लें। सर जी इतना सारा डी देख के मन में डाउट हो गए। अच्छा डी देख का मतलब, इस क्वेश्चन का आंसर करो क्या होगा? अरे ये क्वेश्चन, डेस्कटॉप कंप्यूटर को खालिस्तान कहते हैं, पीसी कहते हैं, पीसी पर्सनल कंप्यूटर, पीसी पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, पीसी क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर होता है, पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ले लो, अगला क्वेश्चन देखियो, संभालियो, बताइए, अगला क्वेश्चन देखो, संभालो, बताओ, संभालो इसको, 75 हो गए, 75 पार। टाइम बोल बदल लो सर क्लास का, मेरे पापा न्यू कहिए जा है, सारी रात फोन में बड़े रहे है। बिल्कुल सही बात है भाई, घर के तो नहीं हो कहेंगे, सारी यहाँ फोन में बड़े रहे है। देखिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा भाई, पता नहीं सर इसका तो है। अच्छा K202 टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, T1990 SDS92, कौन सा कंप्यूटर है? मिनी है भाई, कौन सा है? मिनी है, मिनी 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 खड़ा, मिनी मिनी ये रहा। तो ये सारे लगभग मिनी कंप्यूटर है भाई, सारे के हैं, ये मिनी कंप्यूटर है भाई, ये क्या है? मिनी कंप्यूटर है, ठीक है। अच्छा गुलाबी आंखें वाला, चलो स्टडी से भी प्रॉब्लम है फैमिली को, बिल्कुल भाई बिल्कुल होता है। सर्वाधिक शक्तिशाली एवं सबसे तेज कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सुपर 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 डुपर सुपर डुपर सुपर कंप्यूटर भाई, सर्वाधिक शक्तिशाली होता है भाई। देखो स्टडी से, आपकी स्टडी से किसे प्रॉब्लम नहीं, आपके विरोधी बहुत हैं, कोई नहीं चाहता कि आप जो है अच्छे मार्क्स लें, कोई भी नहीं चाहता, ठीक है ना। आप अकेले हो जो खुद चाहते हो कि मैं अच्छे मार्क्स लूं, मैं कुछ बनूं, मैं कुछ बन के दिखाऊं, अदरवाइज
एक अध्यापक होता जो चाहता है कि उनका स्टूडेंट कुछ ना कुछ बने, कुछ ना कुछ करके दिखाए, ठीक है ना, कुछ ना कुछ बने, कुछ ना कुछ करके दिखाए, एक अध्यापक चाहता है, हमेशा चाहता है। सुपर डुपर, हाँ हाँ बिल्कुल सुपर डुपर भाई। तो मायूस मत हो बंदे, तेरा वजूद छोटा नहीं। मायूस मत हो बंदे, तेरा वजूद छोटा नहीं, तू वो कर सकता है जो कभी किसी ने सोचा नहीं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन। जी, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर के किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? परिकलन क्षमता और वृहत, यानी कि कैलकुलेशन कैपेसिटी और मास स्टोरेज। बिल्कुल, कैलकुलेशन कैपेसिटी एंड मास स्टोरेज, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर भाई। क्लियर होगी बात यहां तक? एक बार कमेंट पढ़ लो तरह। चलो गुरुजी, लिया कोने खांसी खतर कुछ? हाँ भाई टाइम नहीं लगे, देखो हिंदी लैंग्वेज वाली बुक चाहिए, मुझे चाहिए भाई। अच्छा ये आज का लास्ट था भाई, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था भाई, ठीक है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन था। फर्क बहुत है बंदे तेरी और मेरी तालीम में, फर्क बहुत है बंदे तेरी और मेरी तालीम में, तूने उस्तादों से सीखा है, मैंने हालातों से सीखा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद भाई सभी को। चल जाएगी? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल भाई बिल्कुल, क्या कर रहे हो? जी, आईफोन में नहीं चलेगी ऐप यार, आईफोन में दीपक जी, आईफोन में है थोड़ी दिक्कत अभी। आईफोन के लिए तो यार इतने बड़े आदमी नहीं हुए अभी, हम इतने बड़े आदमी नहीं हुए अभी तक, तो बस चल रहा है यूं थोड़ा बहुत रहे, बड़े आदमी बनेंगे फिर देखेंगे आईफोन में चलाएंगे, ठीक है। कि शौक नहीं है मुझे मशहूर होने का, आप मुझे पहचानते हो इतना ही काफी है। शौक नहीं है मुझे मशहूर होने का, आप मुझे पहचानते हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। ऐप की ऐप कौन सी है? लाभ सिंह नैन के नाम से ही है सारी। जी, कोशिश करेंगे कोशिश करेंगे। ठीक, वाह 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 वाह।
ओके, थैंक यू सो मच। आमतौर पर मैं इस डायलॉग्स से बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज दो तीन याद आ गए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद भाई सभी को।